दो से 10 में देखा था, तो बिंदु दो से कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तीन पार्ट में, कौन कौन से, स्टोइकियोमेट्री, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट हो गया था। अनायनिकोषों में कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, टू टाइप में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, कौन कौन से, मृत्तिका और अंतराकाशीय दोष। फिर बात की थी और आयनिक दोष की बात करेंगे तो शोटकी और फ्रेंकल दोष। ठीक है, सेकेंड दोष देखा था अशुद्धता दोष, किसी भी शुद्ध क्रिस्टल में क्या मिला दिया जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, अशुद्धता दोष उत्पन्न होगा। फिर बात कर रहे थे तीसरा दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, कल देखा था नॉन स्टोइकियोमेट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या कह सकते हैं अरसमीकरण मितीय दोष। बात कर ली थी कल नॉन स्टोइकियोमेट्री के लिए, क्या कहा था कि नॉन स्टोइकियोमेट्री में दोष उत्पन्न होने पर क्रिस्टल का जो धनायन विनायन का अनुपात है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहती है। बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, टू पार्ट। फर्स्ट कौन सा था, धातु आधिक्य दोष, और सेकंड था धातु निर्भर दोष। ठीक है, फर्स्ट का धातु आधिक्य दोष और सेकंड का धातु न्यूनता दोष। फर्स्ट की बात करें धातु आधिक्य दोष की, धातु आधिक्य में सिंपल में कॉन्सेप्ट देखते हैं, धातु आधिक्य धातु अधिक मात्रा में धातु किसका निर्माण करेगी, इलेक्ट्रॉन के आपके धनायन का। ठीक है, यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन का अनुपात अधिक हो। ठीक है, यह धनायन क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाए। तो धातु आधिक्य दोष को भी कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में, और धातु न्यूनता को कितने भाग में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, दो भाग। धातु आधिक्य दोष की बात करें तो धनायन की अधिकता दो प्रकार से हो सकती है, फर्स्ट देखें तो एक तो ऋणायनी रिक्तिका के कारण, ऋणायनी रिक्तिका के कारण, ऋणायनी रिक्तिका के कारण यानी किसी भी क्रिस्टल में से, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें से ऋणायन क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, किसका आधिक्य हो जाएगा, धनायन का, कौन सा दोष, धातु आधिक्य दोष। सेकंड बात करें धातु आधिक्य दोष की तो अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो, अंतराकाश में, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो, अंतराकाश में, इससे भी धनायन की जो अनुपात हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का किस कैसे कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो ऋणायन मुक्ति का कारण, ठीक है, यदि ऋणायन मुक्ति का ऋणायन क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, ठीक है, तो जो रिक्तिका बनी थी किसके कारण बन गई है, ऋणायन के कारण, तो रिक्तिका क्या कहलाएगी, ऋणायन रिक्तिका। फिर बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, दूसरे प्रकार के धातु आधिक्य दोष की, तो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, ठीक है, अतिरिक्त धनायन कहाँ उपस्थित हो, अंतराकाश में, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, धातु आधिक्य दोष। पहले धातु आधिक्य दोष देखते हैं, फिर देखेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट का कौन सा, ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, और सेकंड देखेंगे अंतराकाश में अतिरिक्त अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, धनायन की उपस्थिति के कारण, ये दो प्रकार का हो जाएगा धातु आधिक्य दोष। ठीक है, एक तो किसके कारण, ऋणायनी रिक्तिका के कारण, और एक किसके कारण होगा, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, फर्स्ट की बात करें ऋणायन रिक्तिका के कारण, तो कोई भी आयनिक दोष है, आयनिक दोष के किसी भी क्रिस्टल की बात करें, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस,
ये किसी भी दोस्त का क्वेश्चन, ये उसके नाम की आदत व्यवस्था वे नाम की आई एम की ठीक है। किसी भी दोस्त का क्या है क्वेश्चन है, व्यवस्था कैसी आदर्श व्यवस्था है, नियमित रूप से व्यवस्था है। अब यदि इसमें से कोई हिराए अपने स्थान को छोड़कर कहां चला जाए, बाहर चला जाए ठीक है। हिराए अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तो किसका निर्माण होगा, व्यक्ति का। किसका निर्माण हो गया, व्यक्ति का, व्यक्ति स्थान। किसके कारण उत्पन्न हो गया व्यक्ति का, हिराए के कारण। तो व्यक्ति का क्या कहलाएगी, हिराए व्यक्ति का। अब यहाँ धनायन का अनुपात तो परिवर्तित होगा, क्योंकि एक ऋणायन क्या हो गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, कौन सी व्यक्ति का उत्पन्न होगी, ऋणायन व्यक्ति का ठीक है। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन जब बाहर जाएगा क्रिस्टल से, तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस व्यक्ति का ठीक है। ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस व्यक्ति का ठीक है। तो ऋणायन तो क्रिस्टल से बाहर चला गया, धनायन का अधिक हो गया, व्यक्ति का कौन सी, ऋणायन व्यक्ति का। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी व्यक्ति का में छोड़ देगा, इससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। अब ऋणायन व्यक्ति का में अयोगिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस अयोगिक इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिक में क्या दिखाई देंगे, रंग दिखाई देंगे ठीक है। तो जब ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, व्यक्ति का में, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। फिर बात करें इस अयोगिक इलेक्ट्रॉन के कारण यौगिकों में क्या दिखाई देंगे, रंग दिखाई देंगे ठीक है। इस अयोगिक इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को क्या कहेंगे, एफ केंद्र, क्या कहेंगे, एफ केंद्र। और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, NaCl के क्रिस्टल का, NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग क्यों दिखाई देता है ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सीधा कि NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग किस कारण दिखाई देता है, तो रीजन यही आएगा ठीक है। NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग किस कारण दिखाई देगा, एफ के अंदर के कारण। NaCl का क्रिस्टल है, जब उसमें ऋणायन व्यक्ति का उत्पन्न होगी तो वो अपना ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, अपने व्यक्ति का, अपने स्थान में। इस अयोगिक इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl के क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे, तो ये दिखाई देंगे ठीक है। तो यौगिकों में रंग किसके कारण दिखाई देगा, यहाँ पर इस F केंद्र के कारण क्लियर है। एक बार और देखिए शॉर्ट में ठीक है। तो कोई भी क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जब ऋणायन अपने स्थान से बाहर जाएगा ठीक है, तो यहाँ धनायन का अनुपात तो परिवर्तित होगा, लेकिन ये ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इस रिक्ति का में ठीक है, जिसके कारण क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। और इस अयोगिक इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये यौगिक क्या दिखाई देगा, यौगिकों में क्या दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा, जैसे NaCl के क्रिस्टल का पीला रंग। फिर बात करें अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु अधिक के दोष ठीक है। अंतराकाश की परिभाषा बता चुकी पहले क्लास में कि चार गोलों के बीच का जो रिक्त स्थान है ठीक है, दोष है, ठोस को कितने ही डिमेंशन को लिख किया जाए, कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या उपस्थित रहेगा, रिक्त स्थान ठीक है। तो चार गोलों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाएगा, अंतराकाश। इस अंतराकाश में क्या आ जाए, अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो ठीक है। अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो उससे भी कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु अधिक के दोष ठीक है। देखिए किसी भी क्रिस्टल की व्यवस्था कारण कि कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा।
जब किसी क्रिस्टल में अंतराकाश में अंतरायन जुड़ जाता है या उपस्थित होता है, उससे भी कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? धातु आधिक्य दोष। अब यहाँ विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन का अनुपात तो परिवर्तित हो सकता है, हो चुका है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, लेकिन विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहेगी। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे क्रिस्टल कैसा रहेगा? हमेशा विद्युत रूप से उदासीन रहेगा। तो धातु आधिक्य दोष की बात की, ठीक है, दो प्रकार का किस कारण से उत्पन्न होगा? एक तो ऋणायन की रिक्ति का कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ऋणायन की रिक्ति का क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल में से ऋणायन बाहर चला जाएगा लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छूट जाएगा? अपने स्थान पर। इस अयोग्य इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को क्या कहते हैं? एफ केंद्र, जिसके कारण यौगिकों में क्या दिखाई देगी? रंग दिखाई देगी। फिर बात करें अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, तो किसी भी क्रिस्टल में अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित होने पर भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या जोड़ दिया जाएगा? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा। फिर बात करेंगे सेकंड दोष की, धातु न्यूनता दोष। सेकंड दोष की बात करें, धातु न्यूनता दोष, ठीक है, देखा था धातु आधिक्य दोष। सेकंड दोष की बात करें धातु न्यूनता दोष की, तो धातु न्यूनता दोष कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। फर्स्ट की बात करें तो अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। सेकंड देखेंगे धनायन की रिक्ति का कारण, धनायन की धातु आधिक्य में देखा था, एक तो ऋणायन की रिक्ति का कारण, वैसे धातु न्यूनता में भी किसके कारण होगा? धनायन की रिक्ति का कारण, ठीक है, धनायन की अनुपस्थिति के कारण। एक किसके कारण का? अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, वहां अंतराकाश में क्या था अतिरिक्त? धनायन। तो धातु आधिक्य धातु न्यूनता दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे, वहां ऋणायन की रिक्ति के कारण उत्पन्न हो रहा था, ये किस कारण हो रहा है? धनायन की रिक्ति का कारण। देखेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे, वहां किस कारण उपस्थित था? अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। यहाँ किस कारण है? अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो बात करें पहले अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तो किसी भी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था की बात करें, आदर्श व्यवस्था है। अब धनायन की
यहां से कनाइन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल के गोल्स की आदर्श व्यवस्था के क्रिस्टल के इस क्रिस्टल में से धनायन क्या हो जाए, बाहर चला जाए, कौन सी रिक्ति का उत्पन्न हो जाए, धनायन रिक्ति का। तो यहां से धनायन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये रिक्ति का कौन सी, धनायन रिक्ति का, क्या कहलाएगी रिक्ति का, धनायन रिक्ति का। अब क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, या फिर अतिरिक्त धनायन को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। दो कंडीशन क्या कहा गया था, किसी भी क्रिस्टल में से धनायन क्या हो जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, कौन सी रिक्ति का उत्पन्न हो जाएगी, धनायन रिक्ति का। कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यूनता दोष। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए या तो कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर ले, वृद्धि कर ले, मान लो प्लस वन की जगह कितना हो जाए, प्लस टू, या अतिरिक्त धनायन क्या किया जाए, क्रिस्टल में जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ कोई भी धनायन क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर रहा है और क्रिस्टल के साथ विद्युतीय रूप से उदासीन हो रहा है। तो ये बात की धातु न्यूनता दोष की, अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और धनायन रिक्तिका के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जब अंतराकाश के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो धातु न्यूनता दोष, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई भी धनायन अपने ऑक्सीजन अंक में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, प्लस वन से कितना हो गया, प्लस टू। सेकंड देख लेते हैं धनायन रिक्तिका के कारण, कोई भी धनायन क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन विद्युत रूप से उदासीन बनाए रखने के लिए क्रिस्टल को दूसरे धनायन अपने ऑक्सीजन अंक में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। ये अतिरिक्त धनायन कहाँ जोड़ा जाए, क्रिस्टल में जोड़ा जाए, ठीक है। ये दोस्तों में अपन होता है, या दोस्त टॉपिक कंप्लीट होता है, रिकैप कर लें एक बार अभ्यास। दोषों में अपूर्णता या दोष कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था वापस, तीन पार्ट में, स्टोइकोमेट्री, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री की बात कर रहे थे तो धनायन का अनुपात क्या था, सही रहेगा, दोष मुक्त होने पर भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दो में, रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष। अनायनिक दोषों में, आयनिक दोषों में बात करेंगे तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष। अशुद्धता दोष एक ही प्रकार का था, किसी भी क्रिस्टल में क्या मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्री की बात की तो कितने प्रकार की बात किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया था, दो प्रकार थे क्या, एक तो धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार का था, दो प्रकार का था, दो प्रकार से उत्पन्न हो रहा था, कौन कौन सा, एक तो ऋणायनी रिक्तिका के कारण और एक अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। फिर देखा धातु न्यूनता दोष, ये भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कैसे उत्पन्न हो रहा है, एक तो धनायनी रिक्तिका के कारण और एक अंतराकाश में क्या हो रहा है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता वाला दोष। फिर देखेंगे दोषों के विद्युतीय गुण। दोष वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोषों के विद्युतीय गुण या दोषों में विद्युतीय गुण, चालकता के गुण की बात, चालकता के गुण की बात करें। दोषों में विद्युतीय गुण की बात करें तो क्रिस्टलीय दोषों के, क्रिस्टलीय दोषों को विद्युतीय गुणों के आधार पर या कहें चालकता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों, कौन कौन से, चालक, जानते सभी छोटे क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, चालक, कुचालक और एक अर्धचालक, ठीक है। चालकता के आधार पर दोषों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में, तीन भागों में विभाजित कर दिया, चालक, उचालक और अर्धचालक, ठीक है। चालक किसे कहते हैं, जो छोटे व्यास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वे दोष जिनमें विद्युत का चालन आसानी से हो, ठीक है, क्या कहलाएंगे, चालक। जिन दोषों में विद्युत का चालन नहीं होता क्या कहलाएंगे, उचालक। अर्धचालक की बात करें तो जिन दोषों में शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता लेकिन ताप बढ़ाया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है, तो वो दोष क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोष क्या कहलाएंगे, अर्धचालक, ठीक है। तो चालक का क्या आधार पर दोष को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, कितने भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया, तीन भागों में, चालक, उचालक और अर्धचालक।
ठोसों की चालकता को कौन से सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है? आणविक बल सिद्धांत के अनुसार। इलेवंथ में पढ़ा था आणविक कर्षण सिद्धांत एम और पी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कर्षण सिद्धांत, आणविक कर्षण सिद्धांत पढ़ा था इलेवंथ में एम और पी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत, उसी को यहाँ क्या नाम दिया है? आणविक बैंड सिद्धांत, आणविक बैंड सिद्धांत। ठीक है, एनओटी भी क्या बोला था आणविक कक्षक सिद्धांत में कि दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक, मान लो दो परमाणु कक्षक हैं, ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षक होगा। किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षक होगा। ये तो क्या थे? परमाणु कक्षक। ये दोनों क्या है? परमाणु कक्षक। तो दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होकर अतिव्यापित होकर किसका निर्माण करेंगे? आणविक कक्षक होगा। किसका निर्माण कर रहे हैं? आणविक कक्षक होगा। जितने परमाणु कक्षक होंगे, दो परमाणु कक्षक हैं तो आणविक कक्षक में कितने होंगे? दो ही होंगे। छह परमाणु कक्षक हैं तो आणविक कक्षक में कितने होंगे? छह होंगे। आणविक कक्षक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। बात की इलेवंथ में हम देख रहे हैं तो आणविक कक्षक में कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट कौन सा? जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो? कम। वो तो क्या कहलाते हैं? आबंधित आणविक कक्षक। आबंधित आणविक कक्षक। और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो? अधिक हो। वो क्या कहलाते हैं? प्रतिबंधित आणविक कक्षक। क्या कहलाएंगे? प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इनको किससे रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा से। और इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? इलेवंथ में सिग्मा स्टार से। ठीक है, तो ठोसों में चालकता के गुण को, विद्युतीय गुण को कौन से सिद्धांत के द्वारा समझा सकते हैं? आणविक बैंड सिद्धांत। आणविक बैंड सिद्धांत में हमने एमोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी आणविक कक्षक सिद्धांत कि जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, अतिव्यापित होते हैं, तो उतनी ही संख्या में किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षक होगा। आणविक कक्षक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है क्या कहलाते हैं? आबंधित आणविक कक्षक। और जिन आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है क्या कहलाते हैं? प्रतिबंधित आणविक कक्षक। ठीक है, अब बात करें बैंड सिद्धांत में थोड़ा सा अलग क्या है। ये तो बात की एमओटी की। बैंड सिद्धांत में ये एक्सप्लेन करता है, ये समझा रहा है कि जब परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं या अतिव्यापित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, आबंधित और प्रतिबंधित आणविक कक्षकों का। ठीक है, यदि आबंधित और प्रतिबंधित जो आणविक कक्षक हैं इनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या हो? बहुत कम हो, तो ये किसके रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं? पट्टिकाओं के रूप में। इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कम हो तो ये किसके रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे? पट्टिकाओं के रूप में। और ये पट्टिकाएं क्या कहलाती है? ये पट्टिकाएं क्या कहलाती है? क्या नाम दे दिया? बैंड कहलाती है। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आणविक बैंड सिद्धांत। तो परमाणु कक्षक संयोग करके अनेक प्रकार के या दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन आणविक कक्षकों का ऊर्जा अंतराल यदि कम है तो किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? पट्टिकाओं के रूप में। इन पट्टिकाओं को क्या कहते हैं? बैंड। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? आणविक बैंड सिद्धांत कहलाता है। जो कक्षक पूर्ण बने, अब बात करें जो आणविक कक्षक है पट्टिकाओं के रूप में है, बैंड है। ठीक है, तो जो कक्षक या बैंड पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कुचालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कुचालक बैंड। और जो कक्षक या तो अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है, अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है, जो कक्षक या तो अपूर्ण है या कैसे है? अर्धपूर्ण है, क्या कहलाते हैं? चालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं वो तो कौन से हैं? कुचालक बैंड। और जो कक्षक अपूर्ण है या अर्धपूर्ण है वो क्या कहलाते हैं? चालक बैंड। जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं कुचालक बैंड है, तथा जो कक्षक या बैंड अपूर्ण या अर्धपूर्ण है वो क्या कहलाते हैं? चालक बैंड कहलाते हैं। ठीक है,
और दो कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होगा, मान लो दो कक्षक हैं, दो पट्टिकाएं हैं, दो बैंड है, इन दो बैंड पट्टिकाओं या कक्षकों के बीच में जो भी ऊर्जा अंतराल है ये क्या कहलाएगा? वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, वर्जित क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।